प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज अगर आप जी तोड़ मेहनत करोगे तो आने वाले कल यानी भविष्य में कह सकोगे कि हमारा आज बीते कल की मेहनत का परिणाम है। बच्चों, जो काम हम वर्तमान में करते हैं वही भविष्य में इतिहास कहलाता है, इसलिए हमें अच्छे काम करने चाहिए ताकि भविष्य में हमें अच्छे कामों के लिए याद किया जाए। याद तो उनको भी किया जाता है जो बुरे काम करते हैं, परंतु उनका सम्मान नहीं किया जाता। जो अच्छे काम करते हैं उनको जीवन के बाद भी सम्मान दिया जाता है। भारत का इतिहास ही देखें, मुगल सम्राटों में कुछ के लिए तो हमारे मन में सम्मान है पर कुछ के लिए नहीं। बच्चों, मुगलों ने हमारे देश पर एक लंबे समय तक शासन किया। मुगलों के शासनकाल को मुगल साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, यही हमारा आज का पाठ है। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनैतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता ना रख सकें। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां
सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेगों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। मुगलों ने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 में फरघना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेगों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। बाबर की इस विजय के बाद मुगल साम्राज्य फैलता ही गया। बाबर के आगे की कितनी ही पीढ़ियों ने भारत पर शासन किया, जो तब मुगल साम्राज्य कहलाता था। तो आओ बच्चों, मुगल सम्राटों के शासनकाल और उपलब्धियों को जानें। मुगल सम्राट, उनका शासनकाल, प्रमुख अभियान और घटनाएं। पहला शासक बाबर था। बाबर ने 1526 से 1530 तक शासन किया। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। इसे पानीपत की पहली लड़ाई या प्रथम लड़ाई के नाम से जाना जाता है। 1527 में खनवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं मुगल सम्राट बना। हुमायूं 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556 तक मुगल सम्राट रहा। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को दो बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु अगले वर्ष एक दुर्घटना में हुमायूं की मृत्यु हो गई। अकबर 1556 से 1605। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है।
एक 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया गया। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, सफाविदों को हरा कर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। जहांगीर 1605 से 1627। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। शाहजहां सन 1627 से 1658 दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और विजापुर की सेनाओं ने सूले के लिए निवेदन किया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीन भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। औरंगजेब 1658 से 1707। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफ जई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थाई सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित
मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। दो, अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों, जो छापा मार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सहदायाद? मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापिस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित ना करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में
अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इकताओं के समान थी। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से सन 1580 तक की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। तो बच्चों, आज आपने मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। आज हमने मुगल साम्राज्य की स्थापना की चर्चा की, मुगल साम्राज्य के शासन प्रबंध की चर्चा की, मुगल शासकों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, हमने इबादत खाना, सूले कुल और मनसबदारी के बारे में बात की। आशा करता हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं।